तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 2021 की एक और कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है। अब इस वीडियो के कमाल का होने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जो कि पूरे के पूरे 21 की बेस्ट एक्शन मूवी है। हाँ, मतलब आधा साल बीत चुका है और अब जाके कमाल की एक्शन मूवी आई है। और इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो बने रहो वीडियो के अंदर, क्योंकि बिना स्पॉइलर के कमाल का मजा आने वाला है। जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और सच में मूवी काफी प्रॉमिसिंग भी लग रही थी। ऑफ कोर्स मूवी प्रॉमिसिंग है भी। इवन जो हमने ट्रेलर ब्रेक डाउन के अंदर इसका प्लॉट समझा था, वो सेम प्लॉट ही इस मूवी के अंदर आता है कि हमारी मेन असैसिन को एक प्रोजेक्ट मिला। उस प्रोजेक्ट के अंदर उसको एक इनोसेंट लड़की को मारना था, बट उसके बाद ही उसकी आंखें खुली और उसको पता चला कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही खराब हो चुकी है और अब पूरी की इंडस्ट्री को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने जा रही है। हाँ, ये बेसिक प्लॉट था जो कि है भी। तो अगर आपने इसका मूवी का ट्रेलर देखा तो आपको लगा कि सभी के सभी लड़कियां भरी हुई हैं, सबके सब वुमेन्स हैं, उतना ढंग का एक्शन नहीं मिलेगा या फिर स्टोरी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, मूवी उतनी टाइट नहीं होगी। बिलीव मी, कमाल की एक्शन मसाला मूवी है, क्योंकि इसकी कास्ट के सभी पॉइंटों को गलत साबित कर देती है। नो मैटर एज उनकी क्या क्या है, बट स्टिल वो जब भी स्क्रीन पे आती है ना तो एक ऑरा आता है, एक वाइब्स आती है कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी में चिल्स ले आती है। बेशक मूवी के अंदर आपको कमाल की फीमेल असैसिन देखने को मिलती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सबको स्क्रीन पे परफेक्ट टाइमिंग मिलती है और सबके साथ जस्टिस होता है। हर एक कैरेक्टर का एक अपना मोमेंट होता है और जब वो मोमेंट आता है ना तो भाई लिटरली मजा आ जाता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपसे बोलूं तो ये मूवी कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसका प्लॉट बहुत ही कमाल का है, स्टोरी कमाल की जिसके अंदर आप सोचते रह जाओ कि आखिरी में क्या होने वाला, क्या होगा अगले पल, क्या होगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट में जब मूवी जाएगी तो क्या होगा। आप एक्चुअल में सब कुछ प्रिडिक्ट कर चुके होते हो, इवन एक पॉइंट पे तो आप एंडिंग में प्रिडिक्ट कर चुके हो, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिडिक्ट कर चुके हो तो मजा नहीं आएगा। भाई लिटरली बहुत जहर मजा आता है और यही इस मूवी की खास बात है। इवन अगर आपको बताऊं तो एक मसाला मूवी बनाने के लिए जो कि एक्शन से भरी हो और एडवेंचर से भरी हो, क्या चाहिए होता है? ग्रेट फन एक्शन चाहिए होता है। बस उस मूवी के अंदर मसाला होना चाहिए और एक कमाल की एक्टिंग होनी चाहिए। ये मूवी सब कुछ आपको अच्छी तरह से ऑफर करती है। इसके अंदर आपको हर कैरेक्टर की लेयर्स दिखेंगे, आप हर एक कैरेक्टर की और डेप्थ में जाते जाओगे और आपको और भी मजा आता जाएगा। इवन सिर्फ डेप्थ ही नहीं, कैरेक्टर सार्कास्टिक भी हैं, फन भी हैं और इवन कई पॉइंट पे तो बैड एस भी हैं, क्योंकि इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। ये मूवी जॉन विक के यूनिवर्स को बहुत ही ब्रिलियंटली एक्सप्लोर करती है। इवन मूवी खत्म होने के बाद भी आप बोलते हो यार आई वांट अ सीक्वल, राइट? आप थोड़ा सा और देखना चाहते हो, और जानना चाहते हो कि क्या होने वाला है आगे। इसीलिए मूवी एक प्रकार की सक्सेस साबित होती है। इवन अगर आपने जॉन विक की मूवीज देखी है और अब आप ये देख रहे हो तो फील कर सकते हो कि जॉन विक यूनिवर्स कितना कमाल का यूनिवर्स इन फ्यूचर बनने वाला है। बेशक एक्शन में कितनी कमाल की मूवी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं होती। हर मूवी के अंदर कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मूवी प्रेडिक्टेबल है बट स्टिल फन है। बट स्टिल अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको स्टोरी में बहुत ज्यादा इंडल्ज होना पसंद है और क्लाइमैक्स के लिए वेट करते रहते हो और स्टोरी की और डेप्थ में जाना चाहते हो, तो ऑफकोर्स ये मूवी आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है। बिकॉज ऑफकोर्स एक मसाला मूवी है और जब आप एक एक्शन मसाला मूवी बनाते हो तो आपको थोड़ा सा प्लॉट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, एक मूवी ग्रेट जब बनती है जब उसके अंदर हीरो और विलन दोनों की साइड में पोटेंशियल होता है। इस मूवी के अंदर हीरो की साइड तो सही थी बट विलन की साइड मुझे थोड़ी सी वीक लगी। आपको इसके अंदर विलन की मोटिवेशन इंटेंशंस तो समझ आते हैं बट स्टिल आप उसे फील नहीं कर पाते और इसीलिए मुझको इसके अंदर विलन की साइड से थोड़ा सा ड्रॉबैक फील हुआ कि बेशक विलन कितना पावरफुल क्यों ना हो लेकिन उसमें वो पोटेंशियल नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर विलन और पावरफुल होता और उसके अंदर उसके आइडियाज उतने स्ट्रांग होते तो लिटरली मूवी कमाल की बॉक्स ऑफिस होती। तो खैर, मैं रिव्यू कंक्लूड करूं तो ये मूवी ग्रेट फन एक्शन मूवी है विच हैव अ कूल टोन, ब्यूटीफुल cinematography, fucking amazing action and a spectacular John Wick universe. अगर आपको मूवी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया तो आप मूवी को जाके चेकआउट कर सकते हो और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में पक्का बता देना। तो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे मसालेदार रिव्यू देखने हो तो, नहीं देखना तो भी कर लो, सब्सक्राइब करने। तो खैर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।